हानफू एल्गल ब्लूम। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि हमारा एक वर्ड है यहाँ पर एल्गल, दैट्स इट। ये एल्गल जो है हमारा बना हुआ है एल्गी से, ठीक है। एल्गी है क्या? एल्गी बेसिकली ये एक हमारा फाइटो प्लैंकटॉन है। फाइटो मतलब प्लांट्स, एक फाइटो प्लैंकटॉन से जो हमारा बेसिकली ये बेसिक फूड वेव है, ये बेसिक फूड वेव है हमारा, ओके, एक्वाटिक इकोसिस्टम का। तो होता क्या है कि जो हमारा ये हमारा एल्गी फाइटोप्लैंकटन है, जब यहाँ पे न्यूट्रिएंट हमारे ऐड हो जाते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस, जब यहाँ पे न्यूट्रिएंट हमारे ऐड हो जाते हैं तो इनके सेल्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। सेल्स जब मल्टीप्लाई हो जाते हैं एल्गी के, तो बहुत सारे एल्गी बनने शुरू हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा जब एल्गी बन जाते हैं दैट इज़ नोन एज एल्गल ब्लूम। अब एल्गल ब्लूम में क्या होता है कि हमारा ये रेड कलर के भी होते हैं, ग्रीन के भी होते हैं और ब्राउन कलर के होते हैं, ठीक है। बेसिक फूड वेब होता है। उसके बाद ये जो हमारा हमने पढ़ा एल्गल ब्लूम, ठीक है, लेकिन हम ये देखते हैं कि क्या ये एल्गल ब्लूम जो होता है हमारा सारे हार्मफुल होते हैं या कुछ एल्गल ब्लूम हमारे हर हार्मफुल होते हैं। तो जो हमारे नॉट ऑल एल्गल ब्लूम आर हार्मफुल, सारे एल्गल ब्लूम हमारे हार्मफुल नहीं होते, लेकिन कुछ एल्गल ब्लूम जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, ठीक है। कुछ ही होते हैं एल्गल ब्लूम जो हार्मफुल होते हैं, इसलिए एल्गल ब्लूम का नाम निगेटिव तो है, बट इसको आप हमेशा निगेटिविटी के तौर पर ना देखें कि हमारा क्या होगा कि हमेशा सारे एल्गल ब्लूम हार्मफुल होते हैं, नहीं, सब एल्गल ब्लूमास हार्मफुल। और किसको हार्म करते हैं? जो फिशेज हैं, बर्ड्स हैं, मराइन मेमल्स हैं, जब इनको हार्म करते हैं दैट लीड टू डेथ ऑफ दैट एनिमल्स। दोस्तों हमारा अगला कॉन्सेप्ट आता है रेड टाइड मिजोनेमर। तो इसमें क्या होता है कि ये वर्ड क्या है कि ये ऐसा रेड टाइड कोई चलती नहीं है, रेड टाइड कोई वहां पे पानी में नहीं होती है, क्योंकि होता क्या है जब हमारा एल्गल एल्गल ब्लूम होते हैं, ये क्या होता है इनके अंदर पिगमेंट्स होता है, फॉर वो पिगमेंट क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस के काम आता है, फोटोसिंथेसिस के लिए पिगमेंट होते हैं। जो पिगमेंट होते हैं तो वो फोटोसिंथेसिस होता है तो उनका कलर रेड हो जाता है, या तो ग्रीन हो जाता है या तो ब्राउन हो जाता है। तो इसका क्या होता है हमारा कि यहाँ टाइड भी नहीं चलती है और सारे एल्गल ब्लूम हमेशा रेड भी नहीं होते हैं, ये मिजनोमर है, मिजोनेमर है। और इसमें क्या होता है कि ये मतलब बस उपमा दी गई है कि नहीं ऐसा पानी कभी रेड नहीं होगा, वो बस जो हमारे ऊपर एल्गल ब्लूम आ गए हैं रेड कलर के हमेशा रेड भी नहीं होते। इट सिम्स कि वाटर इज बिकम रेडिश, ओके, बट वाटर इज नॉट बिकम रेडिश, ओनली दैट कलर पिगमेंट जो इसके अंदर है एल्गल ब्लूम के अंदर, ये हमें दिखा रहे हैं कि हमारा क्या हुआ है कि हमारा पानी रेड की तरह दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इसका इफेक्ट क्या होता है दोस्तों हार्मफुल एल्गल ब्लूम का, एल्गल ब्लूम होने के साथ, कि हमारा ऑक्सीजन की जो डिमांड है, जो ऑक्सीजन मिल रहा है फोटोसिंथेसिस से मिलता है ऑक्सीजन, जब लाइट पेंट्रेट करेगी अंदर तक, या सरफेस पे भी करती है लेकिन अंदर तक भी पेंट्रेट करती है, होता क्या है कि ये बहुत सारा छाता की तरह ऊपर बना लेते हैं लेग्स में, और प्रॉब्लम क्या होती है इनकी कि ये अंदर जाने नहीं देते सनलाइट को, तो ऑक्सीजन डिमांड वहाँ पे कम हो जाती है और हमारा डिकम्पोजर एक्टिविटी, डिकम्पोजिशन इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो जो भी उसके अंदर एनिमल है ऑक्सीजन तेजी से लेना शुरू कर देते हैं, और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण जो एनिमल्स हैं उसके अंदर डेड होना शुरू हो जाते हैं। दिस इज अबाउट द हार्मफुल एल्गल ब्लूम। ये दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और यदि आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बिलो डाउन।